आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। एक बड़ी खबर मधुबनी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र मधवापुर से आ रही है, जहां शहरघाट थाना क्षेत्र के मुखियापट्टी गांव में बीती रात भीषण डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। आभूषण विक्रेता समेत तीन घरों में हथियार के बल पर गृह स्वामियों को बंधक बनाकर लूटपाट की गई। दरअसल घटना मुखियापट्टी निवासी रेणुका ज्वेलर्स के संचालक वीरेंद्र ठाकुर उर्फ नारद जी, इनके भाई अशोक ठाकुर एवं शत्रुघ्न झा के घर में की गई। इस दौरान अपराधियों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से बमबारी भी की। जानकारी के मुताबिक सोमवार की रात करीब 1 बजे 25 से 30 की संख्या में अपराधी पूरे मोहल्ले में नाकेबंदी किया। 8 से 9 लोग कच्चे बांस का सीढ़ी बनाकर वीरेंद्र ठाकुर उर्फ नारद जी के घर के ऊपर छत से घर में प्रवेश और घर में उनकी पत्नी, दो पुत्री और एक पुत्र को पिस्टल के बल पर बंधक बनाया। नारद ठाकुर को एक कमरे में बंद कर दिया और उनकी पत्नी से गोदरेज अलमारी की चाबी लेकर लूटपाट की। उसी दौरान 5 से 6 की संख्या में अपराधी अशोक ठाकुर के मुख्य दरवाजे को गैस कटर से काटकर सीढ़ी के रास्ते घर में प्रवेश किए और गृह स्वामी को बंधक बनाकर सभी नगद और आभूषण की लूटपाट की। उसी दौरान डकैतों ने शत्रुघ्न झा के घर में घुसकर भी लूट की वारदात को अंजाम दिया और एक महिला के कान से आभूषण छीन लिए, जिससे महिला बुरी तरह से जख्मी भी हो गई। वहीं जब शोरगोल सुनकर लोग जगे तो दहशत फैलाने के लिए मकान और आसपास में जर्दा बम फेंक कर करीब आधे घंटे तक लूट की वारदात को आराम से अंजाम देकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित गृह स्वामी नारद ठाकुर ने बताया कि घटना की सूचना साहरघाट पुलिस को देने के बाद पुलिस 1 घंटे के बाद पहुंची। करीब 30 से 40 की संख्या में अपराधी थे, बच्चे और पत्नी के साथ मारपीट भी की। शादी कार्यक्रम के लिए रखे आभूषण समेत नगद भी लूट कर चला गया। पीड़ित ने यह भी कहा कि इस वारदात को अंजाम देने में स्थानीय लोग भी शामिल हैं, क्योंकि मेरे घर को पूरी तरह से जान रहा था और अपनी ही भाषा में बात कर रहा था, इसीलिए पुलिस से हम मांग करते हैं कि हमें न्याय मिले। घटना की सूचना मिलते ही साहरघाट थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार पहुंचे। बेनीपट्टी SDPO अरुण कुमार सिंह भी तुरंत पहुंचकर घटना की जांच में जुट गए। बहरहाल पुलिस घटना के कई घंटे बाद भी सिर्फ जांच में ही जुटी हुई है, कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने इस घनी आबादी में डकैती की इस भीषण घटना को पूरी, लोगों ने कहा कि थाने से महज चंद कदम की दूरी पर इतनी बड़ी वारदात पुलिस की असफलता है। पुलिस अगर तत्परता दिखाती तो अपराधी उनकी गिरफ्त में होता। बहरहाल डकैती की वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल कायम है। अब देखना होगा कि साहरघाट पुलिस अपराधियों तक पहुंच पाती है या अन्य डकैती कांड की तरह ही यह भी मामला फाइल में ही दफन होकर रह जाएगा। चौथा स्तंभ की ब्यूरो रिपोर्ट। समान हाथ कितने बजे का घटना है ये? करीब 1:30 बजे का घटना है। अच्छा, कैसे प्रवेश किया है आपके घर में? कटर मशीन से गेट काट के अंदर आया है। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद सब अंदर आ गया है, उसके बाद सबको बच्चा सबको पकड़ के सब जितना था मारपीट करके सब गहना उना सब ले गया है। अच्छा, उस सबके पास हथियार भी था? पूरा हथियार, बम बारूद सब कुछ, सब कुछ, पिस्टल भी था? हाँ, सब कुछ था। आप रूपी देते हैं? कुल्हाड़ी भी था? हाँ, कुल्हाड़ी भी था। इतना हम उसको। अच्छा, आपके घर में कितने लोग आया है? हमारे घर में करीब कोई हमारे बच्चे के साथ 8-9 आदमी था। आपके घर में 8-9 आदमी था, मतलब कि बाकी बात सब चारों तरफ फैला हुआ था, 40-50 आदमी के इतना था। अच्छा, लोग चारों बगल फैला था, नाकेबंदी किया, उसके बाद एक साथ जो तीन घर में एक साथ घुसा और सारा कुछ लूट कर ले गया। मारपीट भी किया? गैरेज में रखा हुआ एक मारपीट थोड़ा बहुत किया, मारपीट। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार ठाकुर। सर, आज के घटना के संबंध में सर बताइए। बीती रात्रि घटना घटी है, घटना सत्य है। आप लोग देखे हैं कि रात भी हम लोग भी सब पुलिस लगी हुई है, कुछ जो ऑन कुछ सामान था कुछ हम लोग को मिला है, भागने के रास्ता की दिशा का भी पता चला है जी। डॉग भी आया है तो आप देखे हैं, हम लोग लगे हुए हैं, उद्घाटन जरूर होगा। क्या कुछ लग रहा है सर, नेपाल भारत का बॉर्डर है तो कहीं नेपाल के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? हो ही सकते हैं, क्योंकि जैसा ये लोग कुछ अभी स्पष्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग भी समझ रहे हैं जी जी कि जैसे यहाँ लोग बता रहे हैं उसके मुताबिक तो है। कितने की संख्या में लग रहा होगा सर? ये लोग बता रहे हैं कि 14-15 संख्या में। इन लोगों का नाम रात्रि समय था जी, लोग गनता नहीं है जी जी, जी। लेकिन आदमी था, जैसे हम लोग देखे हैं उसका पैर जहाँ से लौटा है, 3-4 था, अन्य भी लोग होगा, लेकिन 10-15 से 10-12 कम नहीं होंगे। बमबारी की भी बात सामने आई है? हाँ,
आई है जो उसमें कुछ उसका अवशेष भी मिला है जी, जो पेपर का जो है अवशेष भी मिला है। गिरी स्वामी के द्वारा बताया गया कि 2 से 3 राउंड फायरिंग भी किया गया है। उसका खोखा नहीं, ये लोग बताए हैं, लेकिन उसका कोई खोखा होता है जी, यदि बरामद मिल जाएगा तो हमको अच्छा होगा, सुविधा होगा। क्या लग रहा है सर, कितने दिनों में उद्भेदन होगा? उद्भेदन होगा, समय उद्भेदन का समय सीमा नहीं बांध सकते हैं, लेकिन उद्भेदन होगा। 8-9 माह पहले सर मधुपुर में डकैती हुई थी, अभी तक उसमें भी कुछ का आया है, उसमें कुछ का आया है जो छूटा हुआ अभी है, जेल नहीं भेजे जा चुके हैं, उससे तो तारतम्य है। तहस नहस करके सारा कुछ, मतलब ये दोनों भाई के घर में सारा तहस नहस करके ले गया सारा कुछ। सब कार्यक्रम था, मैं 13 तारीख को फंक्शन था ना, उसी फंक्शन में सब अपना जेवर उबर निकल, गेट खोल कर इसमें मारा भाई को, मारा भगवान। बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 4th स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले सहित आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, हम आप तक हर छोटी बड़ी खबरों को पहुंचाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Facebook पर 4th स्तंभ डिजिटल पेज को फॉलो करें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे न्यूज वेबसाइट www.4thastambhdigital.com पर जाएं।